नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकादमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप का इस बार सेशन 21-22 के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, कि कौन कौन सा स्कॉलरशिप ओपन हुआ, कब तक लास्ट डेट है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर, हम स्कॉलरशिप को जब अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा 504 गेटवे टाइम आउट दिखा रहा, तो ये किसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाला है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, नेशनल स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप पिछले साल अप्लाई किए थे, रिन्यूअल स्टूडेंट हैं, तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, बहुत सारा अपडेट और इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि NSP में अभी नेशनल स्कॉलरशिप ओपन हुआ है, डेली कोई ना कोई नया अपडेट आ रहा है। तो जो भी अपडेट आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसका सोल्यूशन हम आप लोगों को लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं, ये नेशनल स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। अभी फिलहाल सेंट्रल स्कीम ओपन हो गया, UGC AICT स्कीम भी ओपन है, और स्टेट स्कीम में भी कुछ स्टेट का स्कीम ओपन है। तो अभी मैं आप लोग को डिटेल्स में बता रहा हूँ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद 504 गेटवे टाइम आउट के बारे में बात करूँगा। तो देख सकते हैं, ये सेंट्रल स्कीम है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का फॉर्म निकल चुका, मतलब जो स्टूडेंट इंडिया में माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, पहला क्लास से लेकर कोई भी क्लास तक, जो 10th तक है वो प्री मैट्रिक अप्लाई करेंगे, और 10th के बाद जो भी क्लास में है वो पोस्ट मैट्रिक अप्लाई करेंगे। जो स्टूडेंट इंडिया में माइनॉरिटी में है, मतलब सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, बौद्धिस्ट, सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट प्री मैट्रिक का 15 नवंबर 2021 तक है, पोस्ट मैट्रिक का फिलहाल 30 नवंबर 2021 तक है। ये डेट एक्सटेंड होते रहता है, तो जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। मेरिट क्यू मीन्स स्कॉलरशिप प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्स का 30 नवंबर तक अभी फिलहाल लास्ट डेट है, ये डेट आगे हो सकता है, ठीक है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप डिजेबिलिटी, जो स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप है, क्लास 1 से लेकर 10 तक है, प्री मैट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, 15 नवंबर लास्ट डेट है। पोस्ट मैट्रिक डिजेबिलिटी, 10th पास आउट करके 11-12 ITR डिप्लोमा कर रहे जो स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप है, कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट, वो इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है फिजिकली डिजेबिलिटी, मतलब डिजेबिलिटी स्टूडेंट पूरा ऑल ओवर इंडिया में, कोई भी स्टूडेंट जो फिजिकली हैंडीकैप है, जिसके पास फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जो भी कैटेगरी के आते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप टॉप क्लास एजुकेशन, जो स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप है, टॉप क्लास एजुकेशन मतलब डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बीटेक कर रहा है, वो इस स्कॉलरशिप स्कीम का अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कास्ट के स्टूडेंट, कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट, जिसका लास्ट डेट 30 नवंबर तक है। उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में भी देख सकते हैं, टॉप क्लास एजुकेशन SC स्टूडेंट का भी फॉर्म निकल चुका है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। इस प्रकार आके आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिलहाल सभी स्कीम का निकल चुका है। सिर्फ अभी नेशनल मीन्स क्यू मेरिट स्कॉलरशिप, मतलब NMMS स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट 8 क्लास में फॉर्म अप्लाई करते हैं और 9th में भरते हैं, 9, 10, 11, 12 में भरते हैं, उन स्टूडेंट का ये स्कॉलरशिप ओपन नहीं हुआ, ना रिन्यूअल का ओपन हुआ ना न्यू रजिस्ट्रेशन का। इन लोगों को थोड़ा सा वेट करना, एक ही साथ हर साल निकलता, लेकिन इस बार NMS में रिजल्ट लेट होने के कारण नहीं निकाले स्टूडेंट का, क्योंकि बहुत स्टेट में अभी NMS का रिजल्ट आया ही नहीं, तो इसलिए मतलब ये नहीं निकाले, ठीक है। जो भी चीज़ है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट का लिंक दे दिए रिजल्ट चेक करने का NMS का, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी आगे बात करता हूँ, अदर स्कीम के लिए ओपन हो चुका है, UGC के लिए भी देख सकते हो ओपन हो चुका है, मतलब ईशान उदय, PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप, ये सब जितना स्कॉलरशिप है, प्रगति स्कॉलरशिप देख सकते हो, सभी ओपन हो चुका है। स्टेट स्कीम में आसाम वगैरह का ओपन नहीं हुआ, जितना स्टेट स्कीम में सिर्फ यहाँ पर देख सकते हो उत्तराखंड का ओपन हो चुका, यहाँ से यहाँ प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक देख सकते हैं, UBC SC ST उत्तराखंड का सभी स्टूडेंट का फॉर्म निकल चुका, ठीक है। तो उत्तराखंड में स्टूडेंट का बताना चाहूँगा, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 2 स्कीम शो होगा, क्योंकि आप एक माइनॉरिटी कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम और एक माइनॉरिटी कैटेगरी उत्तराखंड का स्कीम, तो आप देख लीजिएगा जिसमें आपको अप्लाई करना है, स्टेट में या सेंट्रल में, उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी बात करता हूँ 504 गेटवे टाइम आउट किसके साथ शो कर रहा है, ये अभी जो स्टूडेंट यहाँ पर लॉगिन में रिन्यूअल कर रहे हैं उसी के साथ ये 504 गेटवे टाइम आउट आ रहा है, क्योंकि रिन्यूअल कुछ दिन पहले, मतलब परसों से रिन्यूअल स्टार्ट हुआ है
और रिन्यूअल में अभी काम चल रहा है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का रिन्यूअल में जो है प्रीवियस का परसेंटेज जो है वो चेंज नहीं हो रहा, प्रीवियस का परसेंटेज को अपडेट नहीं हो रहा, 100% लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है और उसको एडिट नहीं कर पा रहा। जैसे मेरा 65 आया, 85 आया या 70 आया, उसको लिखना तो एडिट नहीं हो रहा। तो आप लोग कुछ दिन वेट कीजिएगा, आप लोग का ये 504 गेटवे टाइम आउट हट जाएगा और आपका लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हैं ये न्यू स्टूडेंट का है, हम अप्लाई करने का वीडियो में बताए थे, तो इसका लॉगिन हो गया। देख सकते हैं मेरा ही फॉर्म है, तो न्यू स्टूडेंट में लॉगिन होकर फॉर्म अप्लाई हो रहा, लेकिन रिन्यूअल कर रहे तो 504 गेटवे टाइम आउट आ रहा। ठीक है, तो कुछ दिन वेट कीजिए, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा।